नेशनल खबर सब पर नजर। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में डायरेक्टर ऑफ न्यूरो सर्जरी हूं। 4 महीने से ज्यादा हो गए हम सबको कोविड की महामारी से जूझते हुए। इंडिया में जो पहले केसेस थे वो रिपोर्ट हुए थे केरला से जनवरी के एंड में, और तब से लेकर आज की डेट 4 जून 2020 में 2 लाख से ऊपर केसेस हो गए हैं। पर मानने वाली बात यह है कि 1 लाख से ऊपर पॉजिटिव केसेस अब ठीक हो गए हैं और नेगेटिव हो गए हैं। लॉकडाउन को ख़त्म करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस थी। स्टेट बॉर्डर्स भी अब खुल गए हैं, लोग अपने धीरे रूटीन में धीरे धीरे आ रहे हैं। लोगों को सलाह दी गई है गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा कि अपनी सारी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, हाथ मिलाना, गले मिलाने से ऐतराज रखना, ये सब लोगों को सीखना है और इसके साथ जीना है। कोविड महामारी शायद कभी ख़त्म ना हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे इसकी विरुलेंस कम हो जाएगी। इटली से रिपोर्ट्स आई थी कि इसकी विरुलेंस खत्म हो गई है, पर इंडिया में अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं, खासकर महानगरों में। दिल्ली और बॉम्बे का हाल काफ़ी ख़राब है। इंडिया नंबर 2 पे पहुंच चुका है नए केसेस के नंबर पे, 9,500 केस पर डे देखे जा रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा स्टिल बहुत कम है। अमेरिका में 5-6 लाख से ज़्यादा केसेज हो गए हैं और मौतें भी बहुत ज़्यादा हैं। हम लोगों में हो सकता है कुछ नेचुरल इम्यूनिटी हो जिसकी वजह से मौतें बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी बीमार होना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप कोविड से बचाव करने वाले सारे मेथड्स को ढंग से अपनाएंगे तो हो सकता है आपको कोविड हो ही ना, या हो भी तो एक थोड़ा सा बुखार या थोड़ा सा खांसी जुकाम होकर ही ख़त्म हो जाए। तो क्या देखा गया है? देखा यह गया है कि वायरल लोड, यानी कितने मिलियन वायरस आपको अटैक करते हैं और आपकी इम्यूनिटी कैसी है, इसकी जो फाइट है उसका जो रिजल्ट निकलता है उस हिसाब से आपको बीमारी होती है। अगर वायरल लोड जो आपकी तरफ आ रहा है वो वीक है, थोड़ा सा है, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बड़े आराम से उसको झेल लेगी और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे बिना किसी मेजर बीमारी या सिम्टम के। पर अगर आपके पास आने वाला वायरल लोड बहुत स्ट्रांग है तो फाइट ज़्यादा होगी। अगर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी भी वीक है, यानी आप ढंग से सो नहीं रहे हैं, आप ढंग से पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो फटाफट आपको वो बैक्टीरिया वायरस जो है वो कैच कर लेगा बॉडी, और आपकी बॉडी के अंदर वायरस जो है वो मल्टीप्लाई होकर आपको सिम्टोमेटिक बना देंगे। और अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, अगर आपको वेंटिलेटर पर आना पड़ा, तो आपके सर्वाइवल को भी दिक्कत हो सकती है, यानी आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हमें डरना जरूरी है, इसलिए ताकि हम पूरे प्रिकॉशंस ले सकें, इसलिए नहीं कि हम अपना जीना ही छोड़ दें। नहीं, जीना भी जरूरी है, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ जीना जरूरी है। और अगर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखते हैं और अगर हम पूरे टाइम मास्क पहन के रखते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, तो अगर हमारे आसपास वायरल लोड ज़्यादा है भी तो वो हमारे अंदर नहीं घुस पाएगा। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने नॉर्मल रूटीन में धीरे धीरे आना है, और ये सलाह सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखनी, अपने परिवार को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को, अपने कारीगरों को, अपने बॉस को, अपने और मिलने जुलने वालों को, सबको ही ये सलाह देनी है। क्योंकि अगर हम सब लोग मिलके इसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे, सारे नॉर्म्स फॉलो करेंगे, तो हो सकता है हम कोरोना को इस देश से इरेडिकेट कर दें। क्योंकि कई यूरोपियन कंट्रीज़ में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में देखा गया है कि अब उनको एक भी नया न्यू केस नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि उनके जगह पे अब केसेस जो है वो फैलने बंद हो गए हैं। इंडिया में जितने केसेस दिखाए जा रहे हैं हो सकता है उससे कई गुना ज़्यादा केसेस हों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं। अभी हमारे ही अस्पताल में एक पेशेंट आए थे जो कि ब्रेन सर्जरी के लिए आए थे, उनको कोई सिम्टम नहीं थे, कोरोना का टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव निकला। तो इसलिए एसिम्टोमेटिक पेशेंट जो है वो, या इनसिम्टोमेटिक लोग जो है हमारे आसपास बहुत सारे घूम रहे होंगे, उनसे बचने का जो तरीका है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ग्लव्स पहनना, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये सब अगर आप मानते हैं, करते हैं, तो आप कोरोना से बच के रहेंगे। और आई विश यू अ सेफ एंड हेल्दी लाइफ। नमस्कार।
नेशनल खबर सब पर नजर।